आप एनडीए की और बीजेपी की खास तौर पे बौखलाहट इसी चीज़ से देख सकते हैं कि वो लगातार हम पर हमारे नाम को लेकर हमले कर रहे हैं, और इतने बड़े बड़े लोग, यहाँ तक कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तहत अपना कार्यभार संभाला, इंडियन फ्लैग के नीचे खड़े होकर शपथ ली, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने उन्हें शपथ दिलाई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के वो मुखिया हैं, सरकार में आने के बाद स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया, बढ़ेगा इंडिया, खेलो इंडिया, चलेगा इंडिया, ना जाने कौन कौन सी स्कीम्स उन्होंने लॉन्च करी, नीतियाँ लॉन्च करी। आज उसी पार्टी को और उन्हीं लोगों को इंडिया शब्द से नफरत हो गई। आज ये हमारे अलायंस का जो कंपैरिजन है वो किसी आतंकवादी संगठन से कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें इंडिया शब्द से इतनी नफरत हो गई। ये नफरत नहीं है, ये उनकी बौखलाहट है। ये लोग डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं कि कहीं ये गठबंधन सफल ना हो जाए। और आप देखिए, रोज हर प्रकार से बीजेपी यही प्रयास करती है कि अलायंस फेल हो जाए। कभी कोई मनगढ़ंत आरोप लगा देगी, कभी ये शगुफा फैला देगी कि इस अलायंस के बीच में तो बड़ी टकरार है, आपस में लोग लड़ रहे हैं, लाठियां चल रही हैं, न जाने क्या क्या फैला देते हैं। लेकिन हम सब ये बात समझते हैं और देश की जनता भी ये बात समझती है कि बीजेपी तो हर संभव कोशिश करेगी कि अलायंस फेल हो जाए, लेकिन ये अलायंस फेल होने वाला नहीं है, क्योंकि ये अलायंस सिर्फ 4, 10, 50 नेता जो उस कमरे में बैठे उनका अलायंस नहीं है। ये अलायंस वास्तव में भारत की 135 करोड़ आबादी का अलायंस है। वो आबादी साथ आई है, पूरा देश साथ आया है, और उस 135 करोड़ आबादी का एक ही लक्ष्य है कि हमारी आमदनी नहीं बढ़ी, हमारा खर्चा बढ़ता गया, महंगाई बढ़ती रही, हमारे बच्चों को अच्छी नौकरी नहीं मिली, बड़े बुजुर्गों को इलाज नहीं मिल रहा। इन सारी समस्याओं का, रोजमर्रा के जीवन में जिन समस्याओं से इंसान जूझता है, उन समस्याओं का हल चाहिए। पहिलं म्हणजे तुम्ही जसं सांगितलं यंग लीडर, आम्ही हेच बघतो की पुढची जी 50 वर्ष असतील हे देशासाठी कशी असतील। गेल्या 75 वर्षामध्ये 76 वर्षामध्ये आपण पाहिलं असेल की आपली लोकशाही आहे किंवा आपलं संविधान आहे जसं आपल्या देशात असायला पाहिजे होतं तसं टिकट आलं, पण गेल्या 9-10 वर्षांमध्ये त्या लोकशाहीला धक्का बसत गेलेला आहे की लोकशाही आम्हाला जपायची आहे, त्याच्यासाठी आम्ही लढत आहोत, संविधान जे आहे त्याच्यासाठी आम्ही लढत आहोत। अर्थात लोकशाही आणि संविधान टिकलं तर तुम्ही आम्ही सर्व टिकू शकतो, आणि या देशात हुकुमशाहीला आम्ही येऊ देणार नाही, त्या हुकुमशाहीच्या प्रभावाच्या विरुद्ध आम्ही लढत आहोत, हुकुमशाहीची जी एक मानसिकता आहे त्याच्याविरुद्ध आम्ही लढत आहोत।